पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ? खगोल शास्त्रियों के अनुसार ब्रह्मांड जो कि प्रोटॉन से भी छोटा था, उसके अंदर आज से 13 अरब 70 करोड़ साल पहले स्पेस में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके का विस्तार आज तक भी हो रहा है। उसी के टुकड़ों से पृथ्वी और अन्य ग्रहों उपग्रहों का निर्माण हुआ और इसी को हम सब बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। बेहद शक्तिशाली धमाका हुआ जिसके टुकड़ों से सूर्य और अन्य ग्रहों का जन्म हुआ। पृथ्वी पर अनंत काल तक जीवन का नामोनिशान नहीं था। असल में पृथ्वी एक कई गैसों के मिश्रण से बना हुआ गोला थी। बाद में ये ठंडी होती गई। धरती पर इंसान कहाँ से आए? पृथ्वी के निर्माण के बारे में बेहद प्रतिष्ठित वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के अनुसार देखा जाए तो बिग बैंग में जो शुरुआती टक्कर हुई उसे मीटर्स और एंटीमीटर और बाद में इनके आपस में टकराने से हाइड्रोजन एलिमेंट्स के साथ 12 अन्य एलिमेंट्स की उत्पत्ति हुई। और जब हाइड्रोजन का शोध किया गया तो पता चला कि हीलियम भी हाइड्रोजन के अणुओं से ही बना हुआ है। बेहद चौंकाने वाला एक और खुलासा हुआ कि तारामंडल में मौजूद सभी सितारे भी इन्हीं गैसों के मिश्रण से बने हुए हैं। हाइड्रोजन और हीलियम की यही प्रक्रिया पूरे ब्रह्मांड में हुई और इसी से जगमगाती यूनिवर्स का निर्माण हुआ। पृथ्वी का निर्माण इसी प्रक्रिया में हुआ, ऐसा वैज्ञानिकों के अंदाजे हैं। कोई पुख्ता सबूत या जानकारी अभी भी हासिल नहीं हुई है। हालांकि पूरे विश्व में ब्रह्मांड और पृथ्वी की संरचना को लेकर बिग बैंग थ्योरी को ही ज्यादा स्वीकारता प्रदान है। धन्यवाद मित्रों।